राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि राज्य की सभी 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 से 21 जनवरी तक चलेगी। 2015 में 7 फरवरी को वोटिंग और 10 को मतगणना हुई थी। नतीजों में आम आदमी पार्टी को 67 और भाजपा को 3 सीटें मिली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता काम पर वोट देगी। मैंने बीते 5 साल में काम किया है, इसीलिए दूसरे दलों के लोग भी मुझे वोट देने जा रहे हैं। वही कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री को फर्जी बताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को कनॉट पैलेस में अपने आखिरी टाउन हॉल में जनता के सवालों को जवाब दे रहे थे। इस दौरान लोगों से पूछा कि क्या आपको यह काम हुआ है। जनता ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। केजरीवाल ने कहा कि बीते 5 साल में मैंने जो भी वादे किए थे वह पूरा किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी सभी पर काम किया है। उन्होंने भाजपा के ट्रिपल इंजन वाली सरकार के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऊपर से लेकर नीचे तक, यूपी में ऊपर से लेकर नीचे भाजपा वालों की सरकार है। क्या वहां बिजली मुफ्त हुई? दिल्ली में तो हो गई है। वहाँ सड़कें ठीक नहीं हुई, दिल्ली में हुई। वहाँ 24 घंटे बिजली नहीं मिलती, मगर दिल्ली में मिलती है। खबर तहलका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।